नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ। मुख्य अतिथि नमामि गंगे विभाग भाजपा के प्रदेश संयोजक श्री कृष्ण दीक्षित बड़े जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा कानपुर के जिलाध्यक्ष श्री अनूप चौधरी जी, स्वस्थ संसार संस्थान एनजीओ के संस्थापक श्री प्रमोद श्याम जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना वर्मा ने तथा संचालन कार्यक्रम संयोजिका इनसेस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संगीता ने किया। प्रथम सत्र में सरस्वती वंदना के साथ ही शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भारत के गौरव शान और आजादी के लिए लड़ने वाले सरदार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि तथा शहीद दिवस स्पीच व कविता पाठ एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन एनएसएस वॉलंटियर्स के द्वारा किया गया। तत्पश्चात द्वितीय सत्र में आज के मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पोस्टर प्रदर्शन व रैली का आयोजन किया गया। एनएसएस वॉलंटियर्स ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर अपने विचार भी रखे। छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य अतिथि ने विषय को समीचीन बताते हुए कहा कि यह विषय वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की है, जिससे कि देश के 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो। प्राचार्य जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया स्टार्टअप देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसएस वॉलंटियर्स सौम्या उपाध्याय, दीक्षा शिखा वैष्णवी, अभिव्यंजना आदि का योगदान रहा। सभी वॉलंटियर्स ने कैंप की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर अर्चना दीक्षित, डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता, श्री कृष्णेंद्र श्रीवास्तव, आकांक्षा, दीपा, श्री रामचंद्र सुमित महाविद्यालय के समस्त टीचिंग में नॉन टीचिंग स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। Never miss an update.